हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आप देख रहे हैं लर्न ट्रिपली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट को जानेंगे कि किस तरीके से एक फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट हम लोग बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। यह आपके सामने एक कंट्रोल पैनल है जिसमें हमने एक MCB यूज करी हुई है, दो कॉन्टैक्टर यूज किए हुए हैं और एक ओवरलोड रिले यूज की हुई है। ठीक है, तो हम इसी पैनल का हम कंट्रोल सर्किट बना करके देखेंगे कि इस पैनल में हमने किस तरीके से कंट्रोलिंग की हुई है। तो चलिए इसका कंट्रोल सर्किट समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल डायग्राम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल डायग्राम है। तो अब हम इस कंट्रोल डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल कंट्रोल डायग्राम है और इस पे हमने सभी सेफ्टी को यूज किया हुआ है। अगर आप ये कहें कि भाई फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में अगर हमारा एक कॉन्टैक्टर फंस जाए या फिर कोई भी कंडीशन होती है, तो आपका किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी मोटर के ऊपर कोई भी फॉल्ट जो है उस पे नहीं आएगा। मतलब कि इस कंट्रोल डायग्राम की वजह से आपकी मोटर जो है वो नहीं जलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो तीन सेफ्टी यूज की हुई है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये एक सिंपल स्टार्टर से थोड़ा सा एडवांस है। वैसे तो आप फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में कई तरीके से उसको आप चला सकते हो, चाहे तो आप लिमिट स्विच से चला सकते हो, सेंसर से चला सकते हो। ठीक है, तो वो उसकी बात हम नहीं कर रहे, उसको हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जो कंट्रोल सर्किट जो यूज किया हुआ है उसमें हमने क्या किया है, एक तो हमने यहाँ पे देखिए इंटरलॉकिंग यूज की हुई है, K2 का NC यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है, यहाँ पे हमने K1 का NC यूज किया हुआ है। वो जब मैं आपको समझाऊंगा तो वो और आगे आपको बेटर समझ में आएगा। और दूसरा, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा दो NC एलिमेंट यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस कंट्रोल सर्किट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे MCV यूज की हुई है जो कि हम कंट्रोलिंग के लिए नॉर्मल करते हैं कि किसी भी अगर हमको कोई भी पैनल की अगर हमको कंट्रोलिंग करनी है तो सबसे पहले हम वहां पे या तो फ्यूज यूज करते हैं या फिर MCV यूज करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। ठीक है, अगर हमारे कंट्रोलिंग में कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो हमारी या तो MCV ट्रिप हो जाएगी, अगर फ्यूज होगा तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज उड़ जाएगा, वो हमारे कंट्रोल सर्किट को बचा लेगा। उसके बाद हमने एक पुश बटन यूज किया हुआ है यहाँ पे, ये PB जो लिखा हुआ है, PB का मतलब होता है पुश बटन। तो यहाँ पे PB1 यानी कि पुश बटन 1 है। यहाँ पे हमने कुल 3 पुश बटन यूज किए हुए हैं। एक फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर को बनाने के लिए हमको मेन 3 ही पुश बटन चाहिए होते हैं। पहला हमको स्टॉप के लिए और 2 पुश बटन चाहिए होते हैं हमको मोटर को स्टार्ट करने के लिए। एक पुश बटन चाहिए होगा हमको मोटर को फॉरवर्ड में स्टार्ट करने के लिए, दूसरा चाहिए होगा हमको मोटर को रिवर्स में स्टार्ट करने के लिए। तो सिंपल, पुश बटन 1 जो है हमारा ये स्टॉप के लिए है, ये फॉरवर्ड को भी स्टॉप करेगा और रिवर्स को भी स्टॉप करेगा। सो यहाँ पे हमने पुश बटन 2 जो है वो NO है। ठीक है, ये एक NO पुश बटन है और इसको हम यूज करेंगे स्टार्ट के लिए। अब ये स्टार्ट क्या करेगा, ये सिर्फ फॉरवर्ड वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा। जब पुश बटन 2 को अगर हम ऑन करेंगे तो उससे हमारी मोटर जो है वो फॉरवर्ड में चलेगी। तो यहाँ पे PB1 हो गया हमारा जो कि NC है और इसको हम स्टॉप के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद PB1 के ठीक बाद में हमने एक NC यूज करी हुई है और ये NC है हमारी OLR की, यानी कि ओवरलोड रिले। अब ओवरलोड रिले को हम इस सर्किट में इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये OLR जो है हमारे मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन दे। ठीक है, ओवरलोड रिले के बारे में आपको पता ही होगा, ओवरलोड रिले जो होती है वो मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे K1 का जो NO है, यानी कि K1 हमारा ये कॉन्टैक्टर है। ठीक है, ये K1 हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है और K2 हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, ये K1 का NO यहाँ पे यूज किया हुआ है। सर्किट को मैं आगे आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ये जो सिंबल्स है इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे PB3 का NC यहाँ पे यूज किया हुआ है जो कि स्टॉप के लिए यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए PB3 का NC स्टॉप के लिए और PB2 का NC स्टॉप के लिए, इन दोनों में हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये वाला देखिए, अभी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये PB3 का NC जो है इसको हम समझेंगे। बाकी ये देखिए, अभी ये फॉरवर्ड का हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम आते हैं रिवर्स पे। तो रिवर्स की कंट्रोलिंग के लिए हमने क्या काम किया, हमने एक पुश बटन यूज किया जो कि हमारा तीसरा पुश बटन है और वो NO पुश बटन है। ठीक है, इस NO पुश बटन में हम यूज कर रहे हैं मोटर
मोटर को रिवर्स में स्टार्ट करने के लिए, यानी कि जब हम PB3 को पुश करेंगे तो हमारी मोटर रिवर्स में स्टार्ट होगी। उसके साथ में ठीक हमने यहाँ पे K2 का NO भी यूज किया हुआ है, ये K2 का NO है और ये हमने पैरेलल में यूज किया हुआ है। उसके बाद जो PB3 का NO है जो हम स्टार्ट के लिए यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमने PB2 का NC यूज किया हुआ है स्टॉप के लिए। ओके, तो ये चीजें होगी, इन सब चीजों को हमने सीख लिया। अब हम समझते हैं कि ये सर्किट कैसे काम करेगा। देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये MCV है, अगर हम MCV को ऑफ कर देते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सर्किट ही ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये PB1 का जो NC हमने यूज किया हुआ है, ये NC पुश बटन है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक NC एलिमेंट यूज किया हुआ है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही NC एलिमेंट यूज किया हुआ है, उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया हुआ। तो जैसे ही हम इस NC पुश बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा अगर मोटर फॉरवर्ड में चल रही होगी तब भी स्टॉप हो जाएगी, अगर रिवर्स में चल रही होगी तब भी स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो हमने OLR यूज की हुई है, यानी कि ओवरलोड रिले जो हमने यूज की हुई है, अगर वो भी अगर मान के चलिए मोटर ओवरलोड हो जाती है और ये NC अगर NO बन जाता है, तो उस कंडीशन में भी अगर मोटर हमारी फॉरवर्ड में चल रही होगी तब भी स्टॉप हो जाएगी, अगर रिवर्स में चल रही होगी तब भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं पुश बटन 2 में, जो कि हम स्टार्ट के लिए यूज कर रहे हैं और वो हम मोटर को फॉरवर्ड में स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम पुश बटन 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि हमने PB2 का NO यहाँ पे यूज किया हुआ है और यहाँ पे हमने PB2 का NC यूज किया हुआ है। मतलब कि जो PB2 है, यानी कि जो पुश बटन 2 है, उसके पीछे हमने एक NO एलिमेंट यूज किया हुआ है और एक NC एलिमेंट यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पुश बटन के साथ में हमने एक NO एलिमेंट और एक NC एलिमेंट, यानी कि दो एलिमेंट यूज किए हुए हैं। सेम इसी तरीके से जो पुश बटन 3 जो है, उसके साथ में भी हमने एक NO एलिमेंट यूज किया हुआ है और एक NC एलिमेंट यूज किया हुआ है। तो पुश बटन 2 का जो हमने NO यूज किया हुआ है, यानी कि पुश बटन 2 जो है उसका NO तो हमारा फॉरवर्ड को स्टार्ट करेगा, लेकिन साथ में ही वो उसका जो NC एलिमेंट है वो रिवर्स की सप्लाई को काटेगा। वैसे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जब तक हम पुश बटन 3 को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी रिवर्स में सप्लाई जाएगी नहीं, यानी कि तब तक यहाँ तक सप्लाई जाएगी ही नहीं। लेकिन इन केस मान के चलिए अगर हमारा पुश बटन 3 अगर खराब भी हो जाता है, इसका NO NC ही बना रह जाता है, कुछ भी कंडीशन आ जाती है, तो उस केस में भी अगर हम वैसे ही पुश बटन 2 को प्रेस करेंगे तो उसके साथ में ही पुश बटन 2 का NO तो NC बनेगा ही, साथ में ही यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जो हमने दूसरा एलिमेंट जो यूज किया हुआ है NC, वो भी NO बन जाएगा। तो यहाँ पे एक सेफ्टी पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुश बटन 3 का NC रहेगा, तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक हम PB3 को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा ये NC ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा NC है। उसके बाद हमने K2 का यहाँ पे NC यूज किया हुआ है। तो जब तक हमारी रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर हमारा होम पोजीशन में नहीं होगा, यानी कि जब तक ये ऑफ कंडीशन में नहीं होगा, तब तक हमारी मोटर फॉरवर्ड में नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको यूज करते हैं और इसको बोलते हैं हम इंटरलॉकिंग, ठीक है। तो इसको हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं, यानी कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स अगर हम कोई भी कंट्रोलिंग कर रहे हैं, या फिर हम आपने देखा होगा स्टार डेल्टा में भी इंटरलॉकिंग की जाती है, यानी कि जब स्टार में चले मोटर तो डेल्टा में ना चले, डेल्टा में चले तो स्टार में ना चले। इसी तरीके से अगर मोटर फॉरवर्ड में चले तो रिवर्स में नहीं, रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए, अगर रिवर्स में चल रही है तो फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई टेक्निकली फॉल्ट आ जाता है या फिर कोई मैकेनिकली कॉन्टैक्टर जाम हो जाता है, कुछ भी हो जाए चाहे, आपका दोनों ही कॉन्टैक्टर एक ही टाइम में ऑन नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो उसके लिए हमने एक सेफ्टी यहाँ पे यूज कर ली, हमने एक्स्ट्रा दो NC पुश एलिमेंट जो हमने यूज किए हुए, और सेकंड हमने यहाँ पे इंटरलॉकिंग यूज की हुई है। PB2 पुश बटन 2 के पैरेलल में जो हमने यूज किया हुआ है, इस NO को बोलते हैं होल्डिंग NO, ठीक है। तो ये हमारा होल्डिंग NO है, इसको यूज करने से हमारा जो फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर जो है वो परमानेंट ऑन रहेगा जब तक हम PB1 को प्रेस ना करें, जब तक हम पुश बटन 1 को प्रेस ना करें, ओके। तो हमारा मोटर फॉरवर्ड में स्टार्ट होगी। अब अगर मोटर हमको रिवर्स में स्टार्ट करनी है तो आप पुश बटन 3 को प्रेस कीजिए, लेकिन जैसे ही आप पुश बटन 3 को प्रेस करते हैं तो आपकी मोटर रिवर्स में नहीं चलेगी इस कंडीशन में। अब रिवर्स में चलाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये मोटर जो है वो ऑफ करनी पड़ेगी। यहाँ से आप इस मोटर को पुश बटन 1 को प्रेस करके ऑफ कीजिए। जब आप इसको ऑफ करोगे तब जाकर के क्या होगा, क्योंकि जब फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर जब आपका ऑन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो यहाँ पे आपने K1 की NC यूज करी हुई है वो NC NO बन चुका होगा। तो इस कंडीशन में आप चाहे आप कितना भी इस पुश बटन को प्रेस
प्रेस कर लो तो ये आपकी मोटर जो है वो ऑन नहीं होगी। जैसे ही आप PV3 को एक बार प्रेस करोगे तो PV3 को एक बार प्रेस करने पे आपका फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ क्यों होगा? क्योंकि PV3 का NO हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है लेकिन NC हमने फॉरवर्ड के साथ में यूज किया हुआ है। तो आप जैसे ही PV3 को प्रेस करोगे तो ये तो NC बन जाएगा लेकिन साथ में ही PV3 का NC हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है तो इसका ये NC ये NO बन जाएगा। तो NO बनते ही सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर जो है आपका वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप अगेन इसको ऑन करते हो तब जाकर के आपका रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर जो है वो ऑन होगा और साथ में आगे कनेक्शन जो है वो सेम है। अगर आप एक कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कर देते हो तो आप दूसरे कॉन्टेक्टर का कनेक्शन सेम कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पे इंटरलॉकिंग देनी पड़ेगी और ये कंपलसरी है, ठीक है, इंटरलॉकिंग देना। तो इस तरीके से एक सिंपल फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के हम लोग कंट्रोल डायग्राम बनाते हैं। अगली वीडियो में हम इसको लिमिट स्विच के साथ में इसके कनेक्शन करना सीखेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा इंडस्ट्री में जो ड्रिल मशीनें जो होती हैं उनके साथ में लिमिट स्विच लगे होते हैं, उनके साथ में यहाँ पे पुश बटन नहीं लगे होते हैं कि फॉरवर्ड चलानी हो मोटर तो हम पुश बटन एक पुश बटन दबाए और दूसरा रिवर्स में चलानी हो तो दूसरा हम पुश बटन दबाए, वहां पे ऐसा नहीं होता है। वहां पे लिमिट स्विच होते हैं, उनका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी और हम सेम उसका भी कंट्रोल पैनल देखेंगे और कंट्रोल पैनल को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप लर्न ट्रिपल ई को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट।